हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीथिंग बायो। हम लोग एनसीईआरटी का सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियोस में मैंने लिविंग वर्ल्ड को पढ़ाया है, तो 2 पार्ट में वो वीडियोस हैं, आप चेक कर लेना अगर आपको वो वीडियोस वो लेक्चर देखना है तो। और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ, ठीक है। तो लास्ट लिविंग वर्ल्ड में हम लोग देखे थे कि क्लासिफिकेशन को कैसे करके एक हायरार्की में डिवाइड किया जा रहा है, और फिर मतलब हम लोग टैक्सोनॉमी के बारे में जाने थे थोड़ा कि क्या होता है डिवीजन, किंगडम, स्पीसीज, जॉनरा, ये सब क्या होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पहले तो हम लोग जाने थे कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है, क्या नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे एक एक क्लासेस में डिवाइड किया गया, मतलब टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक एक ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो बहुत सदियों से, बहुत एंशियंट टाइम से इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया ऐसे नज़र रखते हुए बहुत पुराने दिनों से ही इसको डिवाइड किया जा रहा है बहुत सारे क्लासिफिकेशन के तौर से। मतलब कभी 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया है, कभी 3 आया है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो ऐसे करके बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम आए हैं। एक एक एरा में एक एक साइंटिस्ट ने ये सब बताए हैं, एंड आफ्टर दैट कुछ लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है। और ओवर द पीरियड हम लोग देखे हैं कि कैसे ये जैसे कि हम लोगों का भी इवोल्यूशन हुआ है, कैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम का भी इवोल्यूशन होता गया है। जितना जितना हम लोग माइक्रोस्कोपी या तो फिर टेक्नोलॉजी जितना फास्ट आया है, हम लोग उतना ज़्यादा डिस्टिंक्ट कर पाए हैं कैरेक्टरिस्टिक को एक ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच में, राइट। तो ये जो डिस्टिंग्विशिंग है, ये डिस्टिंग्विशिंग हम लोग पहले सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस में किए थे, ठीक है। पहले सिर्फ मतलब ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस में किए थे, हैबिटेट के बेसिस में किए थे। और फिर बाद में ये हो रहा है कि जैसे जैसे पता चला है कि सेल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल के अंदर भी कुछ ऑर्गेनल्स नाम का भी चीज़ होता है, फिर जो हैबिटेट है उसमें इकोलॉजिकल क्या वैल्यूज़ है, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है, और मतलब ये बहुत सारे मॉर्फोलॉजी सिर्फ नहीं, एनाटॉमिकल भी जो सिचुएशंस है वो क्या है, डेवलपमेंटल जो क्राइसिस है वो क्या है। तो एवरीथिंग वेर लाइक डिस्कस्ड इन द होल प्रोसेस कि कैसे एक एक पीरियड में इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर को शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. It was done indistinctly, not using criteria that were scientific, but born out of a need to use organisms for our own use, for food, shelter, and clothing. Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. तो पहले खाना, कपड़ा, मकान, ये सब के बेसिस में किया गया था, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को। इसके बाद एरिस्टोटल आए, और एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने क्या किया, फर्स्ट अटेम्प्ट किया कि एक वैज्ञानिक तरीके से इसको क्लासिफाई किया जाए, ठीक है। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट्स इंटू ट्रीज, shrubs and herbs. Now he also divided animals into 2 groups, those which had red blood and those that did not. तो एरिस्टोटल ने बेसिकली क्या किया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किए थे, ठीक है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 हिस्सों में बांटा गया था, एक था प्लांट और दूसरा था एनिमल्स, ओके। अब इस प्लांट में 3 टाइप हुआ, एक क्या, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स। नाउ एनिमल में 2 टाइप हुआ, एक था एनाइमा, दूसरा था इनाइमा, ठीक है। तो ये जो एनाइमा था दिस वाज बेसिकली विदाउट आरबीसी, ठीक है। और जो एनाइमा था दिस वाज बेसिकली विथ आरबीसी, ओके। तो ये था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन लीनियस the time two kingdom systems of classification with Plantae and Animalia kingdom was developed that included all the plants and animals respectively. This system did not distinguish between the plants and animals respectively. This system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes. तो यहाँ पे और एक प्रॉब्लम हुआ क्या कि यहाँ पे यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बेसिस में इसको डिस्टिंग्विश नहीं किया गया, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर के बारे में नहीं बताया गया और फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक के बारे में भी नहीं बताया गया। तो classification of organisms into plants and animals was easily done and was very easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. मतलब सिर्फ plant और animal तो नहीं है ना, बहुत सारे micro organisms भी present है, bacteria, virus, everything is present, so fungi भी है। तो अभी देखना है कि उसको कैसे classification में डालें, क्योंकि वो भी तो living है। हम बस plant और animal के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि एक overall अगर हम लोगों को देखना है organisms के basis में तो हम लोगों को सब कुछ include करना पड़ेगा। Classification of organisms into plants and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. Hence, the two-kingdom classification used for a long time was found inadequate. तो किस चीज़ के लिए inadequate हुआ? एक तो था क्या, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में कोई differences नहीं था, है ना। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में कोई differences नहीं बताया गया है। इसके साथ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में भी कोई डिफरेंसेस नहीं बताया गया। इसके साथ साथ फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक के बारे में भी कुछ डिफरेंसेस बताया नहीं गया है, राइट। इसके बाद बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अ नीड वाज आल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन, रिलेशनशिप एट्सेट्रा। तो सिर्फ इसके बेसिस में ही नहीं, मैंने जैसे बोला कि धीरे धीरे जितना हम लोग और ज़्यादा इवॉल्व किए, टेक्नोलॉजी इवॉल्व किया, जितना जितना ज्ञान बढ़ा तब हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ता गया और तब हम लोगों को पता चला कि अच्छा सेल नाम के भी कुछ चीज़ होते हैं, वहाँ पे सेल वॉल रहता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बहुत अलग अलग टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, उनके हैबिटेट क्या है, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल है, सेक्सुअल है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, क्या नहीं है, एवरीथिंग वॉज इंक्लूडेड, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम इवॉल्व होता गया ये सब क्राइटेरिया उसमें आता गया कि कैसे उसको क्लासीफाई किया जाए, कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक ग्रुप में डाल सकते हैं। तो सिर्फ ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं, हम लोगों के साथ यहाँ पे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन भी प्रेजेंट था, ठीक है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग देखे हैं ऑलरेडी, इसके साथ जब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आती है दिस वाज गिवन बाय हेकेल, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा को ऐड किए थे, ओके, एंड दीज वेर All the unicellular organisms were added, ठीक है, इसमें इस प्रोटिस्टा में। इसके बाद आता है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिए थे? कोपलैंड ने, ठीक है। और उन्होंने क्या ऐड किए थे? वो मोनेरा ऐड किए थे। और फिर आता है मोनेरा में हम लोग क्या देखते हैं, यूबैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया, है ना। और फिर आता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और यहीं पे ये सब आ रहा है कि सेल स्ट्रक्चर देखेगा, फिर सेल वॉल देखेंगे हम लोग, इसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको देखेंगे, रिप्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है, फिर हैबिटेट देखेंगे, बहुत सारी चीज़ हम लोग देखते हुए जाएंगे। सो इवोल्यूशनरी जो क्राइटेरिया है वो देखेंगे, ठीक है, जेनेटिक जो चीज़ें होती है वो भी देखेंगे। तो एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन दिस। और धीरे धीरे और भी हम लोग देखते हैं एक सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी आता है। सो मूविंग इनटू दिस पोजीशन कि दो प्लांट एंड एनिमल kingdoms have been constant under all the different systems, the understanding of what groups or organisms be included under these kingdoms have been changing. The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time. तो जैसे ही evolution हुआ है वैसे हम लोग differences देखे हैं। तो जैसे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने स्टेट किया था? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज स्टेटेड बाय आर.एच. विटेकर इन 1969। ही प्रपोज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन से किंगडम हम लोग देखे थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो प्रोटिस्टा को एज फर्स्ट ऐड किया था किसने? प्रोटिस्टा को ऐड किए थे हेकेल ने। फिर मोनेरा को किसने ऐड किया था? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा को ऐड किए थे कोपलैंड ने। और फिर आता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जहाँ पे फंजाई भी ऐड होता है। और फिर आता है ये टोटल जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का, ये हम लोग अभी देखेंगे क्लासिफिकेशन कैसे होता है। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ठीक है, मतलब इवोल्यूशन। तो यहाँ पे पांच किंगडम लिखा गया है, ठीक है, इस चार्ट में। और यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है कि कैसे वो डिफरेंट है एक दूसरे से। तो सेल टाइप को अगर हम लोग देखते हैं तो मोनेरा का सेल टाइप क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक होता है प्रोटिस्टा का, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग और भी देखते हैं कि यूकैरियोटिक प्लांटी का क्या होता है? यूकैरियोटिक। एनिमलिया का क्या होता है? यूकैरियोटिक। इसके साथ सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है, सेल टाइप हुआ कि एक था प्रोकैरियोटिक, बाकी सब यूकैरियोटिक है। मोनेरा वाज द प्रोकैरियोटिक, ठीक है। सेल वॉल में हम लोग क्या देखते हैं? दिस इज द नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड रहता है और उसके साथ साथ एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, मतलब कुछ कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, कुछ में नहीं होता है। फंजाई में प्रेजेंट विथ काइटीन, ठीक है। दिस इज द मेन क्राइटेरिया ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। नाउ प्लांट में क्या होता है? प्रेजेंट, और ये सेलुलोज का बना हुआ रहता है। और एनिमल्स में एब्सेंट होता है, दिस इज नॉट प्रेजेंट हियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक है तो ऑटोमेटिकली बाकी के जो क्राइटेरिया होगा वो प्रोकैरियोटिक जैसे ही होगा। सो दैट्स वाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट बिकॉज ऑल दीज आर यूकैरियोटिक, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा? सब में ही प्रेजेंट होगा, ये नॉर्मल सी बात है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मोनेरा का प्रोकैरियोटिक है और उसके साथ साथ सेलुलर है, ठीक है। प्रोटिस्टा में ऑलवेज सेलुलर। इसके बाद क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक किंगडम है, राइट, सो दैट्स वाई दिस इज सेलुलर ऑलवेज। फंजाई में क्या होता है? मल्टी सेलुलर है और लूज टिश्यू प्रेजेंट होता है। ऑर्गेन या तो फिर ऑर्गेन सिस्टम ये सब कुछ नहीं है, यहाँ पे टिश्यू कल्चर टिश्यू रहता है, लूज टिश्यू, ठीक है। इसके बाद आता है कि प्लांट में हम लोग देखते हैं टिश्यू भी प्रेजेंट होता है और इसके साथ साथ कुछ ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। एनिमल्स में तो टिश्यू भी प्रेजेंट है, ऑर्गन भी प्रेजेंट है और ऑर्गन सिस्टम भी बनता है, बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलके, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स हम लोग देखते हैं। और आगे जाके हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे भी। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि एनर्जी हम कैसे मिलती है इनको, मतलब फूड सिंथेसिस करने के लिए, इनके सर्वाइवल के लिए क्या ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है। और फूड सिंथेसाइज करने के लिए ये जो एनर्जी लेते हैं वो क्या है, मतलब कौन सी पाथवे से ये एनर्जी लेते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसी को मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत सारे तरीके की होती है। ऑटोट्रॉफिक होती है, हेट्रोट्रॉफिक होती है, ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफिक होती है, कीमो हेट्रोट्रॉफिक होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, तो एवरीथिंग इज़ सैप्रोफाइटिक होती है। बहुत सारे तरीके की मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है। मोनेरा में हम लोग क्या देखते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? दिस इज ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? ऑटो मतलब ये खुद ही खुद का काम खुद कर लेता है, उसको किसी और की ज़रूरत नहीं होती है, सेल्फ सेटिस्फाइड। नाउ कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, सैप्रोफाइटिक और पैरासिंथेटिक। तो ऑटोट्रॉफिक में क्या देखते हैं, कीमोसिंथेटिक हो सकती है, फोटोसिंथेटिक हो सकती है। कीमोसिंथेटिक का मतलब क्या होता है कि ये जो एनर्जी लेगा ये केमिकल से लेगा, ठीक है। इसका मतलब है कीमोसिंथेटिक का मतलब है कि ये जो एनर्जी लेगा वो केमिकल से लेगा, और फोटोसिंथेटिक का मतलब है ये जो एनर्जी लेगा ये सन से लेगा या तो फिर लाइट से लेगा, ठीक है, एनर्जी। नाउ हेटरोट्रॉफिक, अब सिर्फ ऑटोट्रॉफिक नहीं होता है, कुछ कुछ हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। हेटरोट्रॉफिक का मतलब है क्या कि खुद कुछ नहीं करते हैं, खुद का फूड सिंथेसाइज नहीं करते हैं, कहीं और से किसी और का किसी और डेड ऑर्गेनिज्म या तो फिर डिकेड ऑर्गेनिज्म उनके ऊपर भरोसा करके वो वहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। जैसे कि सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। पैरासाइट का मतलब हम लोग जानते हैं कि होस्ट ऑर्गेनिज्म के साथ रह के उनसे ही उनका न्यूट्रिशन वो खुद के काम पे लगाते हैं, खुद कुछ सिंथेसाइज नहीं करते हैं, खुद कुछ नहीं करते, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हम लोग देखते हैं ऑटोट्रॉफिक, दिस इज ऑल्सो ऑटो एंड दैट्स वाई क्या होगा, ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ठीक है, खुद ही खुद का खाना खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेटिक, ऑब्वियसली यहाँ पे लाइट्स रहती है, लाइट्स की ज़रूरत होती है। एंड हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक भी है, मतलब ये सिर्फ खुद के भरोसे नहीं रहता है, दूसरों के भरोसे भी कभी कभी चला जाता है। कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स इसमें प्रोटिस्टा में होते हैं जो कि हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं। नाउ कम टू फंजाई। फंजाई इज स्ट्रिक्टली हेटरोट्रॉफिक, ये सैप्रोफाइटिक होते हैं और पैरासाइटिक होते हैं, मतलब डेड और डिके ऑर्गेनिज्म से भी ले सकते हैं सैप्रोफाइटिक, ठीक है, और पैरासाइटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी ले सकते हैं। इसके बाद आता है प्लांट्स। प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद ही खुद का खाना बनाते हैं, दैट इज फोटोसिंथेटिक, लाइट से इनको एनर्जी मिलती है। एनिमल्स, एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक इनमें है होलोजोइक और सैप्रोफाइटिक, ठीक है। तो ये हो गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो 5 किंगडम है, इसके किस बेसिस में जो जो था यहाँ पे सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस चार्ट एंड यू नीड टू जस्ट गो थ्रू इट। आपको वैसे ही मतलब दिमाग लगा के अगर पढ़ोगे तो वो समझ में आ जाएगा, इसको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है या नहीं रहता है। और ऑटोट्रॉफिक, ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन ऑटोट्रॉफिक होती है। बाकी ये तो पता है कि फंजाई और एनिमलिया ये दोनों हेटरोट्रॉफिक होते हैं, और बाकी ये जो 3 हैं ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। प्लांट्स स्ट्रिक्टली ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये हेटरोट्रॉफिक नहीं होते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया, प्लांट, फंजाई और एनिमलिया। बस आपको ये मोनेरा और प्रोटिस्टा को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, द 3 डोमेन सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द 3rd डोमेन एंड देयरबाय 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। Okay, now let us look at the 5 kingdom classification to understand the issue and considerations that influence the classification system. Earlier classification systems included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm and angiosperm under plants. तो इतने सारे चीज़ होते थे प्लांट्स के ही अंदर। प्लांट के अंदर इन लोगों ने बैक्टीरिया को भी इंक्लूड कर दिया था, फंजाई को भी इंक्लूड कर दिया था, मॉसेस मतलब जो भी उनको ग्रीन लगा वो सब कुछ प्लांट ही था इनके लिए। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड द होल किंगडम वाज that all the organisms included had cell wall in their cells. तो जिनके भी पास सेल वॉल था वो सब कुछ ये प्लांट्स के अंदर आ गए। This placed together groups which widely differed in other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria and blue-green algae, that is cyanobacteria, with other groups which were eukaryotic. It also grouped together the unicellular organisms and the multicellular ones, says for example Chlamydomonas, Spirogyra were placed together under algae. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे कभी कभी जैसे इवॉल्व हुआ है, मतलब साइंटिफिक वे जैसे जैसे इवॉल्व हुआ है वैसे करके बहुत सारे ओपिनियन आता है, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट कुछ और बोलते हैं, कुछ साइंटिस्ट कुछ और स्टेटमेंट को अपोज करते हैं, कोई उसको सपोर्ट करते हैं। तो वैसे करके बहुत ज़्यादा ऐसे पजल्स को सॉल्व करते करते कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक्सपेरिमेंट इन द सेंस नॉट इन दैट लैब वाला एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे ऐसा किया गया था कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए कुछ ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर ग्रुप में डाला गया, बाद में सोचे कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि इसके साथ ये मैच नहीं खा रहा है तो इसको हटा के उधर रख दो, फिर देखा कि नहीं ये वाला जो यहाँ पे है ना ये इसके साथ ज़्यादा मैच नहीं कर रहा है, इसका 10% कुछ उसके साथ मैच कर रहा है और बहुत ज़्यादा जो एक पोर्शन है वो उसके साथ मैच करे तो वो उसके साथ ही जाएगा, शायद इवोल्यूशनरी कुछ रीज़न की वजह से वो 10% चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत सारे ओपिनियन आया है और ओपिनियन के तौर पे हम लोग देखते हैं कि ओवर द पीरियड ये चेंज होता गया है। तो ये कुछ यहीं पे इसके बारे में बताया गया है कि पहले क्या होता था, क्लैमाइडोमोनस एंड स्पाइरोगायरा वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी, एल्गी के अंडर प्लेस किए थे। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटरोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स दो दे ऑल्सो शोड कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस in their wall composition. The fungi had chitin, बहुत ही important है ये, in their cell wall, while the green plants had cellulosic cell wall. तो green plant में क्या है, cellulosic cell wall है और fungi में क्या है, chitin है present. When such characteristics were considered, the fungi were placed in separate kingdom and kingdom fungi. And all prokaryotic organisms were grouped together under the kingdom Monera. तो सारे के सारे prokaryotic organisms को किसके अंदर लाए हैं, Monera के अंदर लाए हैं। And the eukaryotic unicellular organisms were placed under Protista. मतलब इसके मतलब होता है कि Monera में जितने सारे prokaryotic organism हैं, ठीक है, उनको डाल दिया और Protista में क्या किए हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को डाल दिए हैं, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लैमाइडोमोनस क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड in algae within plants and both having cell walls with paramecium and amoeba, which were earlier placed in the animal kingdom, which lacks cell wall. It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdom. This happened because the criteria classification changed. This kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristic and evolutionary relationship. तो यहाँ पे यही एक स्टेटमेंट दिया गया है कॉमन, जिसको एग्जाम से कोई लेना देना है नहीं, आप बस इसको जान के रखो कि जैसे इवोल्यूशन होती है, जैसे चेंजेस होती है, वैसे करके ओपिनियंस भी चेंजेस होते हैं, हम लोग कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म भी मिलता है तो उसके बेसिस में ये चेंज होता रहता है। तो फिलहाल हम लोग तो पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही, लेकिन ओवर द पीरियड ये बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर चेंज होता रहता है, ठीक है, साइंटिस्ट चेंज करते रहते हैं। Over the time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only morphological, physiological and reproductive similarities but also phylogenetic, that is based on the evolutionary relationship. तो सिर्फ morphological मतलब बाहर से देख के या तो फिर physiological या तो फिर reproductive habits जो है उसके ऊपर बेस करके नहीं, जो evolutionary relationship है, evolutionary relationship को हम phylogenetic बोलते हैं। तो इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है कि कौन कहाँ से आया है उसके बेसिस में भी डिवाइड करने की कोशिश किया गया था। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई ऑफ द व्हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. The kingdoms plant and animalia, commonly referred to as plant and animal kingdom respectively, will be dealt separately next chapter में। चलो अब पढ़ेंगे हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में। तो किंगडम मोनेरा के बारे में हम लोग को इतना तो पता है कि ये प्रोकैरियोट से बना हुआ है ना, मतलब प्रोकैरियोटिक है ये पूरे, इसके अंदर जो जो भी ऑर्गेनिज्म है एवरीवन इज प्रोकैरियोट्स। नाउ बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम मोनेरा. दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. बैक्टीरिया ऑकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर. हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल. आपके जो एक्ने होते हैं वहाँ पे भी बैक्टीरिया ही प्रेजेंट होता है. सॉइल से ज़्यादा आप एक्ने से रिलेट करोगे, इसीलिए बोला. They also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow, and deep oceans where very few other life forms can survive. Many of them live in or on the other organisms as parasite. तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी फूड हैबिटेट्स के बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है, कि ये कहाँ मतलब कैसे सर्वाइव करता है, इसका जो ऑटोट्रॉप्स है, कुछ हेटरोट्रॉप्स है, पैरासाइट भी है और सैप्रोफाइटिक भी है, राइट. वी हैव लर्न्ड दैट ऑलरेडी कि सैप्रोफाइटिक भी है, डेड और डिके से लेता है और इसके साथ साथ पैरासाइटिक भी है, ठीक है. तो यही बताया है. और ये कहाँ कहाँ रहते हैं, बहुत सारी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आप भी नहीं पहुँच सकते. हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, स्नो, डीप ओशंस, हर वो जगह में रहता है मोनेरा जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते हैं. बहुत ज़्यादा एसिडिक है वहाँ पे भी प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा एल्कलाइन है प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा हॉट है, ह्यूमिड है, बहुत ठंड है, हर वो जगह में वो प्रेजेंट है. बैक्टीरिया हर वो जगह में प्रेजेंट है, ठीक है. उनके अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, उनके अलग अलग क्षमता होती है, ठीक है. उस बेसिस में भी हम लोग इसको डिवाइड करते हैं. बैक्टीरिया के बहुत सारे ऐसे कि कौन से थर्मोफाइल होते हैं, कौन से बहुत ज़्यादा हीट सह सकते हैं, कौन सा वाला बहुत ही कम हीट में ही वो एकदम ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है उनका. 4 डिग्री किसी का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, किसी का 70 डिग्री ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है. तो इसके बेसिस में भी हम लोग डिवीजन देखते हैं, लेकिन वो आपको अभी नहीं चाहिए, ठीक है. वो अगर माइक्रोबायोलॉजी जब आप पढ़ोगे MBBS में, तब आप देखना कि वो सब यहाँ पे इंक्लूड होती है. नाउ बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप. द स्फेरिकल कलर स्फेरिकल आर द कॉकस, मतलब जो ये यहाँ पे देखो, ये जो गोल गोल होता है स्फेरिकल शेप में, उसको हम लोग बोलते हैं कॉकस, प्लूरल में होता है कॉकी. Now, rod-shaped bacillus. This is the rod-shaped bacillus. This is also called as bacilli. यहाँ पे plural में दिया गया है, जो picture दिया गया है वहाँ पे plural के नाम से mention किया गया है. Now, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, comma-shaped vibrio, ठीक है, यहाँ पे है vibrio. इसके बाद vibrio present है, और फिर spiral spirillum, ठीक है. तो यहाँ पे spirilla present है. तो एक हो गया कि स्फेरिकल होती है, दूसरा होता है रॉड शेप्ड होती है, इसके साथ साथ स्पाइरल होता है, और फिर कॉमा शेप्ड होती है जिसको हम लोग विब्रियम बोलते हैं. ये तो हो गया डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया. दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर. Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. ऑब्वियसली अगर कोई बंदा ठंड में भी है, गर्मी में भी है, ह्यूमिड में भी है, एसिड में भी है, अल्कली में भी है, हर वो जगह में प्रेजेंट है, तो उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो एक्सटेंसिव ही होगा ना ऑटोमेटिकली. सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक. अब देखो ये दोनों मीनिंग का मतलब, ये दोनों वर्ड का मतलब क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक का मतलब अगर ऑटो कहीं पे लिखा है ना, तो उसका मतलब है कि सेल्फ, ये खुद ही खुद का खाना बना रहा है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. लेकिन जब फोटो अगर वर्ड वहाँ पे प्रेजेंट है, तो फोटो मतलब लाइट इज इंक्लूडेड, और कीमो का मतलब क्या होता है कि केमिकल इंक्लूडेड, ठीक है, केमिकल इज इंक्लूडेड. तो ये क्या करता है, ये बेसिकली इन दोनों को यूज करता है. मतलब जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक है वो केमिकल को यूज करता है, और जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक है वो लाइट को यूज करता है, और फिर वो खुद ही खाना बनाता है, ठीक है. फिर वो क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा, फूड प्रोडक्शन या तो फिर फूड सिंथेसिस, ठीक है, फूड सिंथेसिस करेगा. तो ऑटो का मतलब होता है वो खुद ही करेगा, लेकिन फोटो अगर आ गया है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक का मतलब है वो खुद खाना बनाता है, लेकिन एनर्जी वो लेता है व्हाटएवर, मैं जेंडर पे तो नहीं जा रही हूँ अभी. तो एनर्जी कहाँ से मिलता है उसको, लाइट से मिलती है. और अगर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक है तो वो सेल्फ ही है, सेल्फ ही प्रोवाइड कर रहा है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन वो एनर्जी कहाँ से ले रहा है, केमिकल एनर्जी से ले रहा है, ठीक है. द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉप्स, दैट इज दे डिपेंड ऑन ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर और फूड। तो हेटरोट्रॉफ्स में जो देखते हैं हम लोग, हेटरोट्रॉफ्स में क्या होता है, हेटरोट्रॉफ्स में ये लोग डेड से डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड से लेते हैं, मतलब डेड यहाँ पे खुद नहीं बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हेल्प ले रहे हैं बाहर से। तो डेड से अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक। और कभी कभी ये जो हेटरोट्रॉफ्स कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ भी रहते हैं, तो वो हो जाता है जैसे कि दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अदर ऑर्गेनिज्म अगर हो गया तो ये हो जाएगा पैरासाइट, ठीक है, दिस इज पैरासाइट। लिविंग है, उसके साथ रह के, उसके होस्ट ऑर्गेनिज्म के साथ ही रह के उसका खाना ले रहे हैं, उससे एनर्जी ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, तो दैट इज़ पैरासाइट। और अगर डेड से ले रहे हैं तो दैट इज़ द सैप्रोफाइट, ठीक है। नाउ ये हो गया एक ओवरऑल मोनेरा के बारे में डिस्कशन। अब इसके ही अंदर हम लोग देखेंगे आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ऑल दिस थिंग्स विल बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। तो अब देखते हैं आर्कीबैक्टीरिया के बारे में। आर्कीबैक्टीरिया में क्या बोला है कि दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट। तो मोनेरा के बारे में तो पता है, अब आर्किया में इनके जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल कुछ अलग तरीके की होती है, ठीक है, और ये सेल वॉल अलग तरीके की होती है, कुछ इनका कॉम्पोजिशन अलग होता है। फॉर दैट रीज़न ये आर्कीबैक्टीरिया बहुत ही हार्श हैबिटेट में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा सॉल्टी, एसिडिक, बहुत ज़्यादा वो एकदम मार्शी एरियाज़ में कहीं पे भी वो प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है ये बहुत मतलब वो पर्टिकुलर है फॉर दिस हार्श हैबिटेट। नाउ सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, हेलोफाइल्स बोलते हैं उसको, हॉट स्प्रिंग में अगर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स। मार्शी एरिया में अगर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइनोजेंस। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। मिथाइनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउ एंड बफेलो and they are responsible for the production of methane, that is biogas, from the dung of these animals, ठीक है। तो हम लोग देखें कि कुछ कुछ यहाँ पे हार्श हैबिटेट में प्रेजेंट है, और हार्श हैबिटेट कहाँ पे प्रेजेंट है उसके ऊपर बेस करके भी इसको अलग अलग डिस्टिंग्विश किया गया है। जैसे कि अगर सॉल्टी एरियाज़ में, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज़ में अगर प्रेजेंट है तो वो हैलोफाइल्स होते हैं, अगर हॉट स्प्रिंग में प्रेजेंट है तो थर्मो एसिडोफाइल्स बोला जाता है, अगर मार्शी एरियाज़ में प्रेजेंट है तो मिथाइनोजेंस बोला जाता है। इसके साथ साथ जो मिथाइनोजेन होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये बोले हैं गट में। रूमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं, काऊ, बफेलो, इनके जैसे, इनके गट में मिथाइनोजेंस प्रेजेंट होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मीथेन और बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल्स। इसके बाद ये हो गया हम लोग का आर्कीबैक्टीरिया। अभी हम लोग देखेंगे यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया में क्या है, दीज आर द थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यूबैक्टीरिया, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यूबैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल देन फ्लैजिलम प्रेजेंट है। तो जैसे हम लोग सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सेल में हम लोग को पता चलेगा कि फ्लैजेला एक चीज़ होती है जो कि मोटिलिटी में काम करती है। वैसे ये तो रिवीजन क्लास है तो आप लोगों को ऑलरेडी एक ओवरव्यू है, यहाँ पे मैं वर्ड टू वर्ड इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है कि आप बहुत सारे नोट्स पढ़े हुए रहते हैं, लेकिन एक्चुअली एनसीईआरटी को डीकोड करना बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है, क्योंकि जो बाकी के बुक्स प्रेजेंट होता है वहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ रहता है, अलग से पॉइंट बनाया दिया गया रहता है। मैं यहाँ पे पॉइंट इसीलिए नहीं बना के दे रही हूँ क्योंकि यू ऑलरेडी नो, ठीक है, द पॉइंट्स आपको पता है। ये है एग्ज़ाम के पहले, अगर एनसीईआरटी को रिवाइज करना है तो दैट्स वाई आई हैव कम अप विद दिस कोर्स, ठीक है, कि अगर आपको एनसीईआरटी को ही समझना है, क्योंकि एनसीईआरटी में ही घुमा फिरा के ऐसे ऐसे टर्म्स देते हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक्स देते हैं, तो आप नीट का जो क्वेश्चन है वो प्रॉपरली एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, एकदम एनसीईआरटी का लाइन उठा के देते हैं। तो अगर आपको एनसीईआरटी में अगर ठीक से पढ़ना ना आता है ना, तो आपको लगेगा कि ये कहाँ पे था, ये तो एनसीईआरटी में नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता नहीं है, वो वहीं से ही लेते हैं, लेकिन आप ध्यान से नहीं पढ़े हैं। तो वर्ड बाय वर्ड मैं इसीलिए पढ़ा रही हूँ, फॉर ओनली फॉर दैट रीज़न, ठीक है। अब देखो रिजिड सेल वॉल इफ मोटाइल है तो यहाँ पे फ्लैजेलम प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली इनकी फ्लैजेला हेल्प करता है मोटिलिटी में। The cyanobacteria, also referred to as blue-green algae, have chlorophyll A similar to the green plants. So green plants में भी chlorophyll A present होता है, जो कि ये cyanobacteria मतलब blue-green algae जो है यहाँ पे भी present होते हैं। Now the cyanobacteria are unicellular, colonial और filamentous. Colonial मतलब सब एक साथ colony बना के रहते हैं, ठीक है, एक साथ मतलब झुंड में रहते हैं, अकेला इंसान नहीं रहता है, वो एकदम झुंड बना के रहते हैं। फिलामेंटस भी होते हैं, मतलब यहाँ पे यूनिसेलुलर भी होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर तो होंगे ही, तो फिलामेंटस होते हैं, इसके साथ साथ कॉलोनियल भी होते हैं। फ्रेश वाटर या तो फिर मेरीन वाटर कहीं पे भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी रह सकते हैं, मतलब पानी में भी रह सकते हैं, पानी में फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मेरीन वाटर भी हो सकती है और उसके साथ साथ ज़मीन में भी रह सकते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट। They often form blooms in a polluted water bodies. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocytes, that is Nostoc and Anabaena. तो Nostoc and Anabaena का बहुत बड़ा रोल होता है for fixing our atmospheric nitrogen. कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, देखो नाम बीच से आ गया। कीमोसिंथेटिक का मतलब क्या होता है, केमिकल को यूज़ कर रहा है। ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद ही यूज़ कर रहा है और खुद ही यूज़ करके फूड न्यूट्रिशन वो फूड सिंथेसिस कर, ठीक है। नाउ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो अभी तक मैं बोल रही थी कि केमिकल यूज़ करता है, लेकिन यहाँ पे उस केमिकल्स का नाम दिया गया है। केमिकल्स का नाम क्या क्या है, ऑक्सीडाइज क्या, नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स, एमोनिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यूज रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर, ठीक है। तो सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट, एग्जाम्पल नॉस्टॉक एंड एनाबीना। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, हम लोग को पता चल गया कि क्या क्या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कौन सा केमिकल यूज़ होता है, नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स, अमोनिया, एंड यूज दिस रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। तो यही एनर्जी को यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, एटीपी प्रोडक्शन के लिए। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, मतलब ये फिक्सेशन ऑफ द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, इसी से पता चल गया था कि ये फिक्सिंग में काम करता है, मतलब ये रिसाइकलिंग में भी काम करता है ना। तो क्या क्या न्यूट्रिएंट रिसाइकल कर सकता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर, ठीक है। अब आते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मतलब अभी तक हम लोग देखे थे क्या, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉफिक के बाद आता है हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, मतलब अब वो खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, अब उसको कोई चाहिए, ठीक है, जो उसको खाना पाना बना के देगा, मतलब उसने एक खुद से कोई काम नहीं करना है, इट्स अ लेजी पर्सन, और वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई तुम खाना बनाओ, तुम सब कुछ करो, मैं बस आके बस खाना लेके जाऊँगा, या तो फिर मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और तुम्हारे साथ रह के ही आराम से खुद का न्यूट्रिएंट लूँगा, ठीक है। तो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट इन नेचर। The majority are important decomposers. Many of them have a significant impact on human affairs. They are helpful in making curd from milk production, antibiotics, fixing nitrogen in legume. तो ये इंसान के बहुत अच्छे काम पे आते हैं, ठीक है। ये दही बनाने में, दही जमाने में काम आता है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में काम आते हैं, फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम। लेग्यूम प्लांट्स कौन होता है, पल्सेस, ठीक है, दाल जो तुम खाते हो, वहाँ पे जब हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे तब हम लोग ये सब चीज़ बहुत सारा पढ़ेंगे। तो और इसके साथ साथ बाकी के जो चैप्टर्स हैं वहाँ पे भी इसके बारे में बहुत अच्छे से लिखा है। तो इसीलिए देखो अभी एक एक वर्ड को लेके अभी मैं तुम्हारे सामने अगर थीसिस खोलना शुरू करूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं है जिस चैप्टर में जितना है, क्योंकि बाद में इसी को एक्सप्लेन किया गया है, तो देयर इज़ नो पॉइंट इन एक्सप्लेनिंग इट हियर नाउ। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में हम लोग क्या देखते हैं कि दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम करता है, दही बना देता है, एंटीबायोटिक्स बना देता है, ठीक है, नाइट्रोजन भी फिक्स कर देता है। नाउ सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज. अब सिर्फ भला करोगे तो नहीं होगा ना, कुछ बुरा भी काम करता है. ये क्या बुरा काम करता है? एज अ पैथोजन डिजीज कॉज करता है, और डिजीज कॉज करके ये डैमेज करता है ह्यूमन बींग्स का, क्रॉप्स का, फार्म एनिमल्स का, पेट्स का. ठीक है, उसके साथ साथ कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं. क्या क्या डिजीज़ है? कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटेनस, साइट्रस कैंकर. साइट्रस कैंकर हमारा डिजीज़ नहीं है, प्लांट का है. ठीक है, तो आर वेल नोन डिजीज कॉज बाई डिफरेंट बैक्टीरिया. तो ऐसे डिफरेंट बैक्टीरिया कॉज करता है कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटेनस. साइट्रस कैंकर प्लांट का डिजीज़ है, और ये तीन हमारा डिजीज़ है. ठीक है, इसके बाद आते हैं बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाई फिशन. समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर. ठीक है, तो कुछ अगर उनको ढंग का एनवायरनमेंट नहीं मिला तो वो खुद के सर्वाइवल के लिए एक स्पोर जनरेट करते हैं. ठीक है, दे प्रोड्यूस स्पोर. फिर जैसे उनको एक अच्छा सा माहौल मिल जाता है कि हाँ अब कोई कठिनाइयाँ नहीं है ज़िंदगी में, अब सब कुछ शांत हो गया, तब वो धीरे धीरे खुद का जो रिप्रोड्यूस करना होता है करते हैं. लेकिन खुद को बचाने के लिए वो जब वो कठिनाइयाँ आती है, जब वो हार्श एनवायरनमेंट आता है, तब वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय एडप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ DNA ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर. इसको क्या बोलते हैं? इस DNA को क्या बोलते हैं? यू कैन आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, कि इसको क्या बोलते हैं. ये जो यहाँ पे लाइन लिखा गया है कि दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय एडप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ DNA ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर. ये इसका नाम क्या है? ये क्या ट्रांसफर करते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि माइकोप्लाज्मा एक इस ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जिसके पास सेल वॉल नहीं है. ठीक है, और ऐसा भी क्वेश्चन आता है सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म कौन है, तो ऑर्डिनरी माइकोप्लाज्मा, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है तो वैसे ही उसका साइज तो वैसे भी छोटा हो गया. दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं. तो माइकोप्लाज्मा क्या है? स्मॉलेस्ट है. ठीक है, इसके साथ विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं एंड लैक सेल वॉल. ओके, तो ये तीन चीज़ है, स्मॉलेस्ट, विदाउट ऑक्सीजन और लैक सेल वॉल. मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, और इसके साथ साथ पैथोजेनिक भी होते हैं. ओके, तो ये चार पॉइंट है माइकोप्लाज्मा के बारे में जो कि NCERT में लिखा गया है. तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में किंगडम प्रोटिस्टा से स्टार्ट करने वाले हैं. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ये मोनेरा का पूरा ख़त्म हुआ है. मोनेरा पूरा ख़त्म करके हम लोग इसके पहले ये जो किंगडम के क्लासिफिकेशन है, मतलब 5 किंगडम, 4 किंगडम, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं. और ये डिस्कस करने के साथ साथ वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट कि क्या क्या यहाँ पे मोनेरा में प्रेजेंट है और क्या क्या क्लासिफिकेशन है. तो क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो पहला किंगडम था वो हम लोगों ने कवर कर लिया. इसके बाद हम लोग आएंगे प्रोटिस्टा में. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सेशन. ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. ठीक है, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को पता चले. और ऑब्वियसली नोटिफिकेशन बेल को भी आप क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी आए जब भी मैं अपलोड कर रही हूँ. मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर दिन 10 बजे मैं इसको एक एक करके वीडियो आपको पहुँचा पाऊँ, क्योंकि नीट आने ही वाला है और यू नीड टू यू नो रिवाइज इज़ वेरी फास्ट. तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके इस नीट के सीरीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग को प्रैक्टिस भी करना है एग्ज़ाम के पहले. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ठीक है, वीडियो के साथ बने रहिए और ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल.